सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी परीक्षाएं कब हो सकती हैं, अगस्त माह में या फिर सितंबर में। दोस्तों, कल पीएनपी सचिव से आप लोगों के बैच के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो 18 बैच के हो या फिर 19 बैच के हो, दोनों ही बैच के प्रशिक्षुओं ने पीएनपी सचिव से वार्ता की और पीएनपी सचिव के वार्ता का क्या सार है ये हम देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग के इंटर्नशिप से संबंधित भी एक न्यूज आई है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों के एग्जाम के संबंध में पीएनपी सचिव जी ने क्या कहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चतुर्थ सेमेस्टर स्क्रूटनी एवं 18 और 19 बैच परीक्षा विशेष, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से वार्ता के सार क्या है। सबसे पहले देखिए, चतुर्थ सेमेस्टर स्क्रूटनी के लिए सभी जिले से कॉपियां आ चुकी हैं और 18 अगस्त से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके बाद है, चतुर्थ सेमेस्टर अंक प्रमाण पत्र को संभवतः एक सप्ताह के अंदर साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि फोर्थ सेमेस्टर है उनका प्रशिक्षण कंप्लीट तो हो ही चुका था बहुत पहले, अब जो उनका अंक प्रमाण पत्र है वो भी उन्हें प्रदान कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से फोर्थ सेमेस्टर की सभी प्रकार से चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर 18 और 19 बैच का अब एग्जाम के संबंध में उन्होंने क्या कहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 18 और 19 बैच सेमेस्टर परीक्षा अगस्त लास्ट या सितंबर प्रथम सप्ताह परीक्षा के संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी से शासन स्तर पर SCERT बेसिक शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है। यानी कि पीएनपी सचिव ने ये बताया है कि SCERT और बेसिक शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है और साथ ही समय समय पर अवगत कराने के लिए परीक्षा नियामक द्वारा रिमाइंडर भी भेजा जाता है ताकि जल्द निष्कर्ष निकले। बाकी शासन स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा। यानी कि जो भी निर्णय आएगा शासन स्तर पर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का एग्जाम होगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो यही चीज कि जैसा मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीएनपी सचिव की तरफ से पूरी कोशिश यही है कि आप लोग का एग्जाम ले लिया जाए, अब चाहे वो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में ले लिया जाए। तो दोस्तों, कहीं भी किसी प्रकार से पीएनपी आप लोगों के एग्जाम को ना कराने के पक्ष में या प्रमोट कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो गई है कि हाँ, अब आप लोग के एग्जाम होंगे, क्योंकि यहाँ पर पीएनपी सचिव की मंशा साफ है। और अभी आपने देखा बीएड के एग्जाम हुए हैं, इसके बाद कल बीईओ की भी परीक्षा ले ली जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप लोग के एग्जाम 3 दिन होते हैं लगातार। अगर 18 बैच और 19 बैच दोनों को जोड़े हम तो लगातार 6 दिन पेपर होते हैं। तो 6 दिनों में, और ऐसा तो है नहीं कि केवल 2 घंटे का पेपर होगा, एक दिन में 3 पेपर या 2 पेपर होते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा दिन बच्चों का जाता। तो किस तरीके से शेड्यूल बनेगा और किस तरीके से आप लोग के एग्जाम होंगे, ये शासन के लिए भी सोचने का विषय है। अब दोस्तों, इसके बाद देखिए, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर जो न्यूज थी वो तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर जो आप लोगों के लिए इंटर्नशिप से संबंधित न्यूज है वो क्या है, DLED प्रशिक्षु करेंगे इंटर्नशिप। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। कोरोना महामारी के दौरान पढ़ाई लिखाई ठप होने से घर बैठे DLED 2018 एवं 2019 बैच के प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप करने का निर्देश दिया गया है। SCERT निदेशक के निर्देश के बाद डायट प्राचार्य ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से DLED प्रशिक्षुओं को निकटवर्ती प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप के लिए भेजने का निर्देश दिया है। यानी कि हर एक जिले में डायट को निर्देश दिया गया है कि डायट के जो प्राचार्य हैं वो सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को वो ये बताएं कि जितने भी निकट के, जो भी आपके घरों के आसपास जो भी स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं या जूनियर विद्यालय है, वहां पर जाकर के आप वहां के प्रिंसिपल से सबसे पहले मिलेंगे। फिर वहां पर आपको वहां के जो अभिभावक हैं उनका आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और इस तरीके से आपको बच्चों से जुड़ना रहेगा। और अगर आपको इंटर्नशिप से संबंधित कोई भी न्यूज चाहिए तो हमने बहुत अधिक वीडियोज बनाई है दोस्तों आप लोग के इंटर्नशिप से संबंधित। आपको जितनी भी इंटर्नशिप की न्यूज हमने बनाई है वो तो आपको मिलेंगी ही, साथ ही जितना भी हमने सभी विषयों का प्लेलिस्ट बनाया है वो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर टारगेट यूपी टेट सी टेट पर आप लोगों के सभी विषयों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का लगातार हम सुपर फास्ट रिवीजन क्लास भी चला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाएंगे
और हमारा बस एक ही उद्देश्य है, आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक बने। इसके अलावा दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस आई बटन को क्लिक करके भी मिल जाएगी, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इंटर्नशिप की जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, हमने बहुत वीडियोस बनाई है इंटर्नशिप से संबंधित, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज थे, तो हमने पूरा क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से आपको अपना इंटर्नशिप करना है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आपके सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।